नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आज हम आपके लेकर आए हैं पब्लिक सर्विस कमीशन में निकले भर्ती के बारे में। पब्लिक सर्विस कमीशन में भर्ती निकली है और इस पोस्ट को यदि आपको अप्लाई करना है तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी बताएंगे कि आप किस तरीके से इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो और जॉब पा सकते हो जो कि पब्लिक सर्विस कमीशन में हो रही है। तो देखा जाए तो जो वैकेंसी है क्लर्क, टाइपिस्ट और असिस्टेंट के पोस्ट के लिए हो रही है और बड़े पैमाने पे भर्ती हो रही है। सिलेक्ट होने पे आपकी पोस्टिंग महाराष्ट्र में होगी। तो हमारे जो भी उम्मीदवार महाराष्ट्र में जॉब पाना चाहते हैं इस पोस्ट को ज़रूर अप्लाई करिएगा और आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। अप्लाई करने के लिए हमने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है जिस पर आप क्लिक कर हमारे ऑफिशियल वेबसाइट यानी gvtjob.com पर आ सकते हो। और यहाँ पर हमने जो लिंक्स आपको प्रोवाइड किए हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की, ऑफिशियल वेबसाइट की, वो दोनों लिंक्स को एक्सेस कर इस पोस्ट को आप अप्लाई कर सको। तो अब हम देखेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। क्लर्क, टाइपिस्ट और असिस्टेंट की जो वैकेंसी है उसके लिए आपको मिनिमम बैचलर्स डिग्री यानी ग्रेजुएट पास होना ज़रूरी है और पोस्ट ग्रेजुएट हुए उम्मीदवार भी इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। प्रतिमाह आपको यहाँ पर वेतन अच्छा खासा मिल जाएगा जो कि 5,200 से 20,200 तक हो सकता है। अब हम देखेंगे कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में हमें क्या जानकारी मिल रही है। तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो मराठी में पूरी जानकारी बताई गई है क्योंकि जो जॉब वैकेंसी है महाराष्ट्र में हो रही है और मेल तथा फीमेल कैंडिडेट्स भी इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हो टाइपिंग आपको आनी ज़रूरी है यदि आप अप्लाई कर सकते हो। तो निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, कर सहायक, लिपिक, टंक लेखक, इन पोस्ट के लिए यहाँ पर भर्ती हो रही है। और हाइट के जो मेजरमेंट्स होते हैं या जो क्राइटेरिया है उसके बारे में यहाँ पर जानकारी बताई गई है। टाइपिंग आपको आनी ज़रूरी है मराठी 30 वर्ड पर मिनट की और इंग्लिश जो है 40 वर्ड्स पर मिनट की आपकी टाइपिंग स्पीड होनी ज़रूरी है। और यानी देखा जाए तो इंग्लिश और मराठी टाइपिंग आपको यहाँ पर आनी ज़रूरी है। आपकी यहाँ पर एग्जामिनेशन होने वाली है, रिटन एग्जामिनेशन 200 मार्क्स की होगी और टाइपिंग एग्ज़ाम जो है पूरी जॉब की जो वैकेंसी है उसकी जो एग्जामिनेशन है मिलाकर 200 मार्क्स की आपकी यहाँ पर एग्जामिनेशन हो रही है। और अप्लीकेशन फ़ी आपको कितनी है, कैसे भरनी है और देखा जाए तो जो जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 525 रुपीज़ अप्लीकेशन फ़ी है। ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 324 रुपीज़ फ़ी है। एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए 24 रुपीज़ अप्लीकेशन फ़ी है। तो देखा जाए तो आपको यहाँ पर अप्लीकेशन फ़ी भरनी है। लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए जो है उसके बारे में हम जानकारी देख लेंगे, पर उसके पहले देख लेते हैं कि एज लिमिट क्या है। तो एज लिमिट है यहाँ पर मैक्सिमम एज लिमिट जो है यहाँ पर दिया गया है 38 इयर्स, यानी अधिकतम 38 इयर्स के जो उम्मीदवार है अप्लाई कर सकते हैं। 11 सितंबर तक आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो और शुरू हो चुका है अप्लाई करना। 28 अगस्त से शुरू हो चुकी है और 11 सितंबर तक आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी हमारे उम्मीदवार अप्लाई करने के लिए उत्सुक है तुरंत अप्लाई करिएगा और आपका एप्लीकेशन निश्चित करें। चलन के द्वारा जो उम्मीदवार एप्लीकेशन फ़ी भरना चाहते हैं उनकी जो एप्लीकेशन फ़ी है 12 तारीख तक ली जाएगी या आपके अकाउंट में 12 तारीख तक जमा होनी चाहिए एप्लीकेशन फ़ी। ऑनलाइन यदि आप अप्लाई कर सकते हो तो आप 11 तारीख तक ही आप कर सकते हो ऑनलाइन अप्लाई, क्योंकि 11 तारीख के बाद आपका एप्लीकेशन निश्चित नहीं होगा जो कि 11 सितंबर है। तो जो भी हमारे उम्मीदवार अप्लाई करने के लिए उत्सुक है ऑनलाइन तरीके से महा ऑनलाइन जो ऑफिशियल वेबसाइट है महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग की, वहाँ पर जाकर आपका एप्लीकेशन निश्चित करें। और ऐसे जॉब्स की जानकारी यदि आपको पाते रहना है तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, क्योंकि यदि आप बेल आइकन को प्रेस करोगे तो ही आपको जॉब्स के जो अपडेट्स हैं तुरंत आएंगे, वरना आपको अपडेट्स नहीं आएंगे और आप लेटेस्ट वैकेंसी से वंचित रह सकते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हम मिलेंगे आपके साथ ऐसे किसी और वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।